बोलने का कारण तो और कुछ है नहीं, क्योंकि आप जंगल राज आप सुन रहे थे तो आपको उसका जवाब देना था। ऐसे शासन को अगर ये लोग राक्षस राज कह रहे हैं तो भैया ऐसा राक्षस राज बहुत बढ़िया है। आप 15 साल आप और आपका परिवार रहा, आप एक उपलब्धि अपनी गिना दीजिए तो हम लोग मानेंगे। जो लोग ये भ्रम फैलाते हैं ना, और जिन्होंने कहा कि हमने दिया आरक्षण, अगर आपने दिया तो काहे का फिर डर है कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा? अरे तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, जो क्या बोल सकते हैं, जो लोकतंत्र विरोधी है। पिछले बार 19 में जो 0 पर अटक गए थे वही 0 फिर इस बार होना हो रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, सभी जगह अपार मतों से चुनाव जीतेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान का गुस्सा तेजस्वी यादव पर फूट पड़ा है, लालू यादव पर फूट रहा है। देखिए, सुबह में ही किस तरीके से लालू यादव जो बयान दिए थे मुसलमानों को आरक्षण के लेकर, उसके बाद सियासत भी खूब होने लगी है। देखिए, दोनों दल के जो नेता हैं, इंडिया गठबंधन या फिर NDA गठबंधन के नेता, एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुबह में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों डिप्टी CM खूब बरस रहे थे लालू यादव पर। अब चिराग पासवान और उमेश कुशवाहा का भी गुस्सा फूट पड़ा है। देखिए, अभी हम आपको वीडियो सुनवाने जा रहे हैं चिराग पासवान का और JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का, किस तरीके से लालू यादव और तेजस्वी यादव पर बरस रहे हैं। उतना ही नहीं, सबसे पहले जंगल राज की बात आती है और कहा जाता है कि जब UPA की सरकार थी या बिहार में लालू यादव सत्ता में थे तो जंगल राज था। तेजस्वी यादव ने इस पर क्या कहा था आपने सुना, पर चिराग पासवान भी गुस्से में लाल हो गया, तमाम बातों को रख रहे। क्या कुछ करे चिराग पासवान और उमेश कुशवाहा, पहले आप वो सुनो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल है। भाई देखिए, जब हम लोग जंगल राज बोलते हैं कारण है उसका, जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार की घटनाएं, आप मुझे बताइए ना, आंकड़े नहीं बताते कि 90 के दशक में सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश से पलायन हुआ। आज भी दूसरे राज्यों में दो दो तीन तीन पीढ़ी से लोग वहाँ रहने के लिए मजबूर हैं, प्रदेश में प्रवासी कहलाते हैं। ये वो जंगल राज था जब घर से माताएं बहनें निकल नहीं सकती थी। आपको उसके जवाब में आपको कुछ और ढूंढना था, यही था ना, बोलने का कारण तो और कुछ है नहीं, क्योंकि आप जंगल राज आप सुन रहे थे तो आपको उसका जवाब देना था, तो आपने शब्द निकाल लिया राक्षस राज। क्या मतलब है इसका भाई? आज की तारीख में पिछले 10 सालों में जिस तरीके से सबसे ज़्यादा गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया, और ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़े। आज आप गांव देहातों में चले जाइए और आप लोग भी पूछिए, किसी से भी पूछिए कि कितने लोग हैं जिनको आज भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जन योजना का लाभ मिल रहा है, तो लोग हाथ उठाते हैं कि हाँ भैया, हम लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है। मैं इसका श्रेय मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा। आज चले जाइए, हर सभा में हम पूछते हैं, हर व्यक्ति हाथ उठाकर बोलता है कि भैया हमको 5 किलो अनाज मिल रहा है। तो आज प्रधानमंत्री जी ने जहाँ हर परिवार की चिंता की, जहाँ हर महिला की चिंता करके उज्ज्वला से लेकर शौचालय तक निर्माण करवाने का काम किया, आज हर किसान की चिंता करके किसान सम्मान निधि देने का काम किया, कोई भी गरीब परिवार आर्थिक अभाव से लाभ से स्वास्थ्य लाभ से वंचित ना रह जाए, आज 5 लाख रुपए तक का इलाज उसको दिया जा रहा है। अगर ऐसे काल को, ऐसे शासन को अगर ये लोग राक्षस राज कह रहे हैं तो भैया ऐसा राक्षस राज बहुत बढ़िया है और ये होना चाहिए। आप 15 साल आप और आपका परिवार रहा, आप एक उपलब्धि अपनी गिना दीजिए तो हम लोग मानेंगे। इतना भी अहंकार नहीं होना चाहिए किसी को। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है जिसमें ये प्रावधान है, जिसको सशक्त करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। आज मंडल कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। ऊंची जाति के जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको भी आरक्षण देने का काम हमारी मौजूदा NDA की सरकार ने किया। हमारी NDA की सरकार ने ना सिर्फ आरक्षण को और मजबूत करने का काम किया, बल्कि इस बात की गारंटी
ये मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की भी गारंटी है। और पुनः जो लोग ये भ्रम फैलाते हैं ना, और जिन्होंने कहा कि हमने दिया आरक्षण, अगर आपने दिया तो काहे का फिर डर है कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा? फिर तो डर नहीं होना चाहिए। क्यों 2015 का चुनाव लड़ रहे थे ये कह कहकर कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा? हकीकत है विपक्ष पूरी तरीके से मुद्दाहीन है और ये लोग बौखलाए हुए हैं। भाई दो चरण का सर्वे इनके पास भी गया होगा ना, इनको भी फीडबैक मिला होगा कि उन 9 सीटों पे क्या हुआ, और आज की 5 जो सीटें हैं इसका भी फीडबैक राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के पास जा रहा होगा। ये उस फीडबैक की बौखलाहट है कि इनको ऐसी बिना सर पैर की बातें करने की जरूरत है। बढ़ोतरी हुई है भाई, बिल्कुल 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 होगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के का प्रचार बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पर विश्वास बोले, डबल इंजन की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे गठबंधन पर लोगों का विश्वास बोले, और आज थोड़ा मौसम भी साथ दिया है, तो मैं मानता हूं कि जब तक प्रचार समाप्त होगा मत प्रतिशत अच्छा होगा। बिल्कुल 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी का आना प्रस्तावित है हाजीपुर में, 12 तारीख को संभवतः वो पटना में रोड शो भी करेंगे। अब यही देखिए फर्क, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं जो कि हर राज्य को एक निगाह से देखते हैं, बराबरी का समय। भाई बताइए हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जहां पूरे देश का चुनाव देख रहे हैं वहीं बिहार को भी उतना ही समय दे रहे हैं। महागठबंधन के घटक दलों के राष्ट्रीय नेता बताइए, बताएं कांग्रेस के नेता, उनके राष्ट्रीय नेता कितना समय दिए हैं, कितनी बार आए हैं, उन लोगों के लिए बिहार जैसे राज्य माने ही नहीं रखते। धर्म, आप लोगों ने आरक्षण पर बात किया, धर्म के नाम पर कहीं संविधान में आरक्षण का प्रावधान है क्या? बाबा साहब ने जो संविधान निर्माता ने जो धर्म के नाम पर आरक्षण देने का काम किए, वो तो जो मुख्यधारा से जोड़ने का, जो सशक्त करने के लिए जाति के हिसाब से उस जाति जो सबसे निचले पदान पर जो व्यक्ति हैं उन लोगों को आरक्षण देने का काम किए। नहीं, आज देख रहे हैं कि आरक्षण देने का काम हम सर्वों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना कराकर ससमय रिपोर्ट पेश करके आरक्षण का दायरा उन्होंने बढ़ाने का काम किया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आरक्षण का दायरा, अरे तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, जो क्या बोल सकते हैं, जो लोकतंत्र विरोधी है उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो तो विकास विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। लोकतंत्र पर परिवार तंत्र हावी नहीं हो, इसलिए पूरे आज तीसरे की सरकार को राक्षस वाली सरकार बता रहे हैं। ठीक नहीं है, संपत्ति है, बौखलाहट है उनको, तेजस्वी जी को, तेजस्वी जी को बौखलाहट है। ये 40 के 40 जो एनडीए के झोली में जा रही है बिहार की जो सीट, इसके लिए बौखलाहट है। पिछले बार 19 में जो 0 पर अटक गए थे वही 0 फिर इस बार होना हो रहा है। आज देखिए ना, तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, उत्साह देख लीजिए ना। आपके मीडिया के साथी होंगे, पूछ लीजिए, जानकारी ले लीजिए, एनडीए के पक्ष में सब जगह बोल रहे हैं। एनडीए की सरकार को राक्षस की सरकार बता रहे थे इसमें, तो भाई क्या उनसे उम्मीद किया जा सकता है ना? वो तो बोलेंगे ना, जो विकास विरोधी है तो वो बोलेंगे ही, उन पर उनसे क्या हम लोग उम्मीद रख सकते हैं? यहाँ है विकास की सरकार, लोकतंत्र की सरकार, समझे? यहाँ सुंदर सशक्त स्वावलंबी बनाने के लिए, नए बिहार बनाने के लिए, नए भारत निर्माण करने के लिए जो हमारे नेता हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये दोनों के जो करिश्माई जोड़ी है सब लोग पसंद कर रहे हैं। मुंगेर से जो है ललन सिंह 50 बिहार के सीएम रहेंगे, ये तो कार्यक्रम तो अलग अलग बना हुआ है, कार्यक्रम इसके लिए तो सब लोग अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। आप देखिए कि हम और चिराग जी कार्यक्रम कर आ रहे हैं, इसी तरह इसी तरह कार्यक्रम बना हुआ है, जिनका जो समय निर्धारित है लोग जाएंगे। 5 लाख से जीतेंगे, ललन सिंह, अनंत सिंह बोल रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं है, सभी जगह अपार मतों से चुनाव जीतेंगे। तभी आप चिराग पासवान को और उमेश कुशवाहा को सुन रहे थे, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना किस तरीके से लालू यादव और तेजस्वी यादव पर बरस रहे थे। उतना ही नहीं, ललन सिंह जेडीयू के प्रत्याशी हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और आनंद सिंह पे रोल पर 15 दिन के लिए बाहर आए। पर आनंद सिंह का एक बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कह रहे हैं कि ललन सिंह 5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। इस पर क्या कह रहे थे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष
उमेश कुशवाहा हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव स्टेट तक। लाइव स्टेट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।